झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने अपने ही सोतेले बाप पर बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 10 साल पहले डग थाना क्षेत्र से एक विवाहिता अपनी 5 वर्षीय पुत्री को लेकर अपने प्रेमी संग फरार हो गई थी। उसके बाद घरेलू क्लेश के चलते एक बार उस विवाहिता ने कीटनाशी पदार्थ का सेवन भी किया। उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। 10 साल बाद 5 साल की लड़की 15 साल की हो गई तो सोतेले पिता पर खुद की ही लड़की ने बलात्कार के आरोप लगाए हैं। नाबालिग ने बताया कि उसके ही पिता ने उसके साथ 3-4 बार बलात्कार किया और आए दिन मारपीट करता था, जिसे परेशान होकर नाबालिग लड़की डग आकर अपने पुराने रिश्तेदारों के साथ डग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई और नाबालिग लड़की का मेडिकल करवाया। मामले की जांच गंगधार वृत्ताधिकारी प्रेम कुमार चौधरी कर रहे हैं। वहीं साथ ही पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। चौमेला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। कल एक बालिका है जो नाबालिग है, थाने पर आई थी परिवारों के साथ और उसने बताया कि साहब मेरी माँ को 10 साल पहले कोई व्यक्ति भगा के लेकर आया था, उसकी 4-5 साल पहले मृत्यु हो गई, वो बच्ची करीब 15 साल की हो गई है। तो जिस सोतेले पिता के साथ वो थी उसी के द्वारा 3-4 महीने से उसके साथ गलत काम करना बताया है। इसके संबंध में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है जिसका अनुसंधान श्रीमान शिव साहब द्वारा किया जा रहा है। भवानी मंडी में बाइक चोरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बाइक चोरियों में दिनों दिन इजाफा बढ़ता जा रहा है। पुलिस की उदासीनता व कमजोर मुखबिर तंत्र के चलते नगर में बाइक चोर गिरोह के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस अपने आमजन के जान माल की सुरक्षा का दायित्व करने में नाकाम नजर आ रही। चोरों ने शनिवार के बाद आज फिर बाइक चोरी कर पुलिस को खुला चैलेंज किया है, जहां मंगलवार को पंजाब बैंक के साथ सद्दाम हुसैन के घर के पास खड़ी पैशन प्रो बाइक अज्ञात चोर चुरा ले गए। सद्दाम ने घर के बाहर आकर अपनी बाइक पर देखा तो बाइक नहीं मिली, जिसके चलते थाने में बाइक चोरी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस के खुफिया तंत्र के कमजोर होने की वजह से पुलिस इन बाइक चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही। जबकि 3 दिन पहले शनिवार को सब्जी मंडी के यहाँ बाइक चोरी होने पर पुलिस उपाधीक्षक व थाना अधिकारी ने पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचकर ट्रांसपोर्टर पर लगे सीसीटीवी को खंगाला, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नजर नहीं आया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर में बाइक चोरियों की वारदातें हो रही है। इससे पहले को सब्जी मंडी से रविवार 3 दिसंबर को कालवाई स्थान, 4 दिसंबर को स्टेशन के बाहर से, 5 दिसंबर को स्टेशन चौराहा के पास, 6 दिसंबर को वैसोदा मंडी से, 7 दिसंबर को आदित्य नगर से, 8 दिसंबर को शांति चौराहा के पास मेकवाल मोहल्ला, 9 दिसंबर को सब्जी मंडी से और आज 2 बाइक अलग अलग जगहों से चोरी हुई, जिसमें पहली बाइक करीब 1 बजे आसपास व दूसरी बाइक करीब 2 बजे के आसपास चाट गली में रहने वाले गुरमुख सिंह सलूजा के घर के बाहर खड़ी चोरी हो गई। बाइक चोरियों के मामले में थाना अधिकारी ने बताया कि शहर में बढ़ती बाइक चोरियां चिंता का विषय है। पुलिस ने टीमें बनाकर मुख्य स्थानों पर निगरानी के लिए लगा रखी है। शहर के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक आरोपी पकड़े जाएंगे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। भलाई की सप्लाई मेडिकल उपकरण केंद्र पर प्रथम फिजियोथेरेपी मशीन दानदाताओं के सहयोग से प्राप्त हुई है। यह मशीन स्वर्गीय MLG शर्मा व ए आशा शर्मा, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय आशा शर्मा की पुण्यतिथि पुण्यस्मृति में उनकी तीनों बेटियों द्वारा निशा जोशी रतलाम, रक्षा जैन इंदौर, अंतिम ओझा प्रदेश उपाध्यक्ष वुमन पावर सोसाइटी द्वारा मिली है। यह मशीन जरूरतमंद मरीजों के उपयोग हेतु प्रदान की गई। यह पहला अवसर है कि भलाई की सप्लाई टीम पर फिजियोथेरेपी मशीन मिली। आने वाले 2 वर्षों में एक नया प्रकल्प नगर को देने का ज्ञान है, जिसकी शुरुआत आज इस अवसर पर की गई है। इस अवसर पर शर्मा परिवार के सदस्यों के साथ साथ वुमन पावर सोसाइटी के समस्त मात्र शक्ति व बहने, नगर परिषद के अध्यक्षता नरेंद्र यादव, रोगी कल्याण समिति वीरेंद्र कुमार यादव BMO सिसोदिया, भारत विकास परिषद अध्यक्ष नगर के प्रमुख चिकित्सक, नगर के वरिष्ठ व युवा पत्रकारगण के साथ भलाई की सप्लाई टीम के सदस्यगण, गणमान्य नागरिक, माताएं बहनें उपस्थित रही। जानकारी टीम संचालक विशाल डाबी नदी, संचालन अरुण जी कासेट द्वारा किया गया। शामगढ़ से इसके मीडिया के लिए गोविंद सिंह परिहार। भवानी मंडी से भाजपा पार्षद अविनाश और पिंटू जायसवाल द्वारा एक बार फिर सरकारी जमीनों की नीलामी के मुद्दे को उठाया है, जिसके चलते अविनाश जायसवाल द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन के माध्यम से बताया कि नगर पालिका द्वारा सुलिया गांव में मौजूद 2 विभिन्न स्थानों पर कुल 6 बीघा से अधिक भूमि को नीलाम किया जाना है, जबकि नगर की विस्तारित अवस्था को देखते हुए नगर में सरकारी कार्यालयों के लिए सरकारी भूमि का काफी अभाव है। वहीं सरकारी भूमि की नीलामी एक षड्यंत्र के रूप में भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है। साथ ही भविष्य में कालवा स्थान, रेलवे फाटक के स्थान,
पर रेलवे और ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, विश्राम गृह, जयपुर डिस्कॉम, विद्युत विभाग को भविष्य में सरकारी भूमि की आवश्यकता होगी, जिसके बावजूद भूमि की नीलामी की जा रही। वहीं इसी मामले में पूर्व में समाचार प्रसारण होने के बाद नीलामी प्रक्रिया टाल दी गई थी, जहां पूर्व खंड अधिकारी किरदर, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक कॉपीचंद मीणा व पूर्व अधिशाषी अभियंता जेपी गुप्ता द्वारा मौका जांच रिपोर्ट तैयार कर भविष्य में नगर में सरकारी भूमि अवाप्ति की काफी आवश्यकता बताई गई थी। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, कपिल चौहान। जीवन में कभी कभी रोड पर या घर पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है और कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल थोड़ी दूरी पर होता है और समय लग जाता है, ऐसे में उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत होती है। जख्मी व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाएं। अगर शरीर पर कांच से घाव हुआ है तो गहरे घाव जिससे खून बहुत बह रहा है उसे रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव देकर पट्टी बांधे, जिससे खून का बहाव रुक सके। और अगर कांच के गहरे धसे घाव से खून बह रहा हो तो उस गहरे धसे कांच के टुकड़े को न निकालें और घाव पर चूना, मिट्टी, राख इत्यादि पदार्थ न लगाएं। अगर घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो तो एम्बुलेंस में सीधे लिटाकर ले जाएं और मरीज को मुंह से